बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया था, आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि अब आपका अगला टॉपिक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? आपने पढ़ लिया है कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो आपने अक्सर रस्ते से परे हट जाती है। तो सिमिलरली इस तरीके से जब रोशनी किसी असली मीडियम से किसी नतीजे मीडियम में दाखिल होगी, वो नॉर्मल से परे हट जाती है, अपने अक्सर रस्ते से हट जाती है, यानी रिफ्लेक्शन होती है। और इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत बढ़ती है। तो आइए टोटल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से पहले हमें डायग्राम समझते हैं। टोटल रिफ्लेक्शन असल होती क्या है? ये मैंने एक दो किस्म के मीडियम ले लिए, एक मैंने हवा लिया और जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं, दूसरे बात नतीजे मीडियम कहते हैं, और एक मैंने ग्लास मीडियम लिया हुआ है और ग्लास मीडियम को डेंसिटी मीडियम कहते हैं या कसी मीडियम कहते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक लाइट और सोर्स ले लिया है, रोशनी ले लिया, जिसने यहाँ से रोशनी को खारिश करेगी, सोर्स ले लेगी, बल्ब ले लेगी, लाइट को हम अक्सर लेते हैं। तो यहाँ से रोशनी की रेस निकलेंगी, तो ये ग्लास से जब हवा में जाएंगी तो क्या करेंगी, अपनी असर सिखाने के रास्ते से अपनी सीमा जो उसको चेंज कर देंगी। देखिएगा, ये रोशनी की पहली रे है, ये यहाँ से इंसिडेंट रे इस मीडियम से ग्रेविटी बनाने के बाद जब उससे मीडियम में दाखिल होगी, लेकिन नॉर्मल से क्या होगी, हट गई है, तो रोशनी थोड़ी हट गई है। तो इसी तरीके से जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जब इंसिडेंट रे वैल्यू बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू बनाती है उसको रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं। तो अब ये रिफ्लेक्टिव रे जैसे जैसे आगे जाएगी, देखिए इसका एंगल जो है वो भी बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है, इसी के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर एक्सपोज यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है और आगे जाने के लिए एंगल जो देखा कि इंक्रीज हो जाएगा, 40 डिग्री हो गया एक्सपोज। अगर यहाँ पर ये 20 डिग्री एंगल था इंसिडेंट, ये भी क्या था 20 डिग्री, तो 20 डिग्री एंगल था, तो 30 डिग्री एंगल था, लेकिन जो आगे थोड़ा सा हम थोड़ा सा मजीद आगे बैठ करेंगे, रोशनी जो ये छबी दे रहा है उसको थोड़ा सा मजीद बैठ करेंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो एंगल है ये जो हम देखेंगे, ये मजीद नॉर्मल से बड़े हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस तरीके से ये जो रे है ये भी नॉर्मल से दूर हट भी जाएगी, तो इस तरीके से ये तमाम अमल जारी रहेगा। लेकिन अगर हम रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराई, तो इसके दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट की कीमत क्या थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट कीमत 40 डिग्री थी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कीमत कितनी थी, 30 डिग्री। तो जब मजीद हमने इसको थोड़ा नीचे किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत 30 डिग्री होगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत कितनी होगी, 40 डिग्री। मजीद जब हम इसको मजीद करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर 20 डिग्री थी, 30 डिग्री थी, यहाँ पर 40 डिग्री होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत हो जाएगी 50 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर कितना सेंगल बनाया था, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पर मजीद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर मजीद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से आस्ता क्या होती जा रही है, परे हटती जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के साथ साथ जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इसको मजीद नॉर्मल से दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत हमें 20 डिग्री थी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत कितनी आएगी, 30 डिग्री। इसी तरीके से 30, 40, अगर ये 40 हो जाएगा तो 50, अगर ये 50 हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा 70। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत बढ़ेगी, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से कहा जाए रहेगा यहाँ तक कि एंगल के एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगा, रे मीडियम के साथ 90 का एंगल बना लेगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कीमत 90 डिग्री हो जाती है, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से क्या मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत 90 डिग्री हो जाती है, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, या एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट की किसी खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे रेयर मीडियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस 90 डिग्री को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉज द रिफ्लेक्टेड रे इन द
रेयर मीडियम को बैक थ्रो 90 डिग्री किस कारण था क्रिटिकल एंगल के एंगल ऑफ इंसिडेंट की खास सीमा पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत 90 डिग्री हो जाती है। इस एंगल को हम एंगल क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि वो वापिस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी एंगल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तमाम रोशनी जो है अंदर की टोटल मुकम्मल इंटरनल अंदर रिफ्लेक्ट मुकम्मल तौर पर अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। फिर सुनिए कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत बढ़ा रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट की कीमत भी बढ़ रही है और एक खास कीमत पर एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक खास कीमत पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाए मतलब 90 से भी ज़्यादा हो जाए तो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि मुकम्मल तौर पर उसी मीडियम में डेंसर मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस अंदर हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल से क्या मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट की कीमत 90 डिग्री हो जाती है इस अंगल को या इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो रोशनी मुकम्मल तौर पर बल्कि रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में हो जाती है यानी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है इस समय को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल नॉन रिफ्लेक्शन अगर तो रिफ्लेक्शन क्या होगी नहीं होगी बल्कि इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम तो मुकम्मल रोशनी है वो वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर एक दफा पढ़ने की डेफिनेशन क्या है कि वेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम्स द डार्कर देन द क्रिटिकल एंगल नॉन रिफ्लेक्शन अगर देन इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रहे इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल क्या होगी और रिफ्लेक्टेड एंगल और जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू नॉर्मल के साथ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी ये रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि वही होगी दोबारा उसी मीडियम में डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है इस हम रिफ्लेक्ट हो जाती है इस मेटल को हम टोटल एंगल कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने क्या पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल ये दो चीज़ें अहम थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है तो वो आपने डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो ये टॉपिक आपके अच्छे तरीके से पढ़ लेना है अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो बुक्स पर आपको तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ से रिटर्न करके आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज़।